आपको स्वागत करता हूँ आपका चैनल तुषार इलेक्ट्रिशियन पर। चलिए देखते हैं बेडरूम लेटरिन बाथरूम अटैच कैसे वायरिंग करेंगे इसी बेडरूम को। देखिए 2.5 स्क्वायर एमएम का लिया हूँ, जो रेड कलर का फेज के लिए न्यूट्रल लिया हूँ ब्लैक कलर का, और 1.5 स्क्वायर एमएम लिया हूँ इन्वर्टर के लिए, और 0.75 लिया हूँ अर्थिंग के लिए, और जो 1 mm लिया हूँ रेड कलर का ये फैन के लिए, और ये ब्लैक कलर का लाइट के लिए सीलिंग लाइट और लाइट के लिए रिटर्न लिया हूँ। चलिए देखते हैं। देखिए ये पावर बोर्ड दरवाज़ा सटा गया है, और दूसरा वाला बोर्ड देखिए ये लेटरिन का पावर बोर्ड, और लेटरिन के अंदर वायरिंग क्या होगा एक गीजर के लिए देखिए, और एक लाइट और एक वेंटिलेशन के लिए एडजस्टमेंट लगेगा। 3 पॉइंट है अंदर, उसका पावर बोर्ड देखिए बाहर दिया गया है ये वाला, और दूसरा बोर्ड देखिए ये ऊपर से इधर कनेक्ट हुआ है, और नीचे देखिए ये एक पावर बोर्ड, इधर कूलर फैन कुछ भी लगा सकते हैं, और ऊपर देखिए 2 सीलिंग लाइट और एक फ़ैन के लिए उसमें वायर डाल दिए हैं। इसका मेन जंक्शन बोर्ड उधर है, और नीचे मेन पावर बोर्ड तक आएगा जो मेन वायर रन होगा फेज न्यूट्रल अर्थिंग इन्वर्टर उसके साथ। देखिए ये वायर पहले से ही डाले हैं दूसरे कमरे से, जो दूसरा वाला बेडरूम से उधर उस साइड से आया है। चलिए देखते हैं कैसे वायर आया है MCB से। देखिए ये वाला MCB बॉक्स इधर से गया है, और इस देखिए वो पावर बोर्ड है इधर से उधर गया है, और ये वायर इधर डाले हैं MCB तक आया है, पीछे साइड से गया है। देखिए इधर निकला है, क्योंकि देखिए बाहर साइड से भी देख सकते हैं इधर, मगर पीछे साइड पाइप डाल लेते थे इसलिए कटिंग नहीं किए सामने से, इसलिए दूसरा बेडरूम से दिए। और वायरिंग करेंगे देखिए स्प्रिंग, अभी जो मेन जंक्शन बोर्ड है इसी बेडरूम का जो वायर निकला है उधर से उधर कनेक्ट करेंगे फॉरवर्ड तक, और इस साइड से इस साइड होकर लेटरिन बाथरूम तक जाएगा। देखिए एक ही वायर आया है जो फेज न्यूट्रल अर्थिंग न्यूट्रल तीनों बोर्ड में कनेक्ट होगा, सीरेंज करेंगे। देखिए वायर अभी डालेंगे, इसको कटिंग कर लेंगे देखिए, और उसके बाद इस साइड भी पाइप जो गया है इसी में वायर डालेंगे, और जो स्प्रिंग डाल दिए हैं देखिए पहले इसी बोर्ड में वायर डाल देते हैं, तीनों साइड वायर डालेंगे। पहले इसी बोर्ड को वायर डालने के बाद इसी वायर को कटिंग करेंगे और दूसरे साइड फिर लगाएंगे, तीनों साइड का वायर इधर ही जॉइंट होगा, तो सीरीज करेंगे तीनों बोर्ड को फेज न्यूट्रल अर्थिंग इन्वर्टर इधर कटिंग कर लेंगे। और देखिए पावर बोर्ड साइड देंगे अभी फेज न्यूट्रल अर्थिंग इन्वर्टर, और उसके साथ एक लाइट के लिए वायर देंगे 1 mm का, सीलिंग का 2 दिए हैं और वॉल में एक देंगे इधर इसके लिए, और एक 1 mm वायर लेंगे। देखिए फ्रेंड बिना स्किप करके देखेंगे वीडियो को, कुछ समझ में आएगा कैसे वायरिंग कर रहे हैं एक बेडरूम और लेटरिन बाथरूम अटैच। देखिए कैसे स्प्रिंग डालते हैं, और इस साइड से उस साइड भी जाता है, कैसे वायर को लगाते हैं और कैसे खींचते हैं देखिए। देखिए जो ऊपर का जो सीलिंग लाइट और फैन का वायर, और ये इधर से जो गया मेन वायर जो पावर बोर्ड तो जाएगा फेज न्यूट्रल अर्थिंग इन्वर्टर, उसके साथ सीलिंग का लाइट भी एक ही साथ पावर बोर्ड में डाल देंगे। देखिए
देखिए इस साइड फिट डालेंगे, उसी वायर को फिर कटिंग इधर से करेंगे इस वायर को, और इस साइड फिट डालेंगे। देखिए फ्रेंड, जो न्यूट्रल का वायर रन हुआ है वॉल में, उसी न्यूट्रल वायर को साथ जो सीलिंग का न्यूट्रल वायर जुड़ेगा, जुड़ने के बाद थोड़ा खींच लेंगे न्यूट्रल वायर को, ज़्यादा वायर नहीं रखना जंक्शन बोर्ड में, हीटिंग होगा इसलिए ज़्यादा वायर नहीं रखना, थोड़ा सा रखना, 6 इंच का वायर रखना जॉइंट करने के लिए। उसके बाद दूसरे साइड जो बाथरूम साइड जाएगा, फिर उसी साइड का वायर खींचेंगे, उस साइड भी फेज न्यूट्रल अर्थिंग इन्वर्टर के लिए खींचेंगे, और तीनों साइड का जॉइंट इधर ही होगा, ये मेन जंक्शन बोर्ड इसी बेडरूम का। देखिए कैसे स्प्रिंग को डालते हैं और कैसे वायर को खींचते हैं। देखिए इधर का जो लाइट पॉइंट का वायर कटिंग कर देंगे, और उसके बाद उस साइड का जो वायर डाले थे उसी को कटिंग करके फिर इस साइड डालेंगे। देखिए फ्रेंड, आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। देखिए फ्रेंड, ऐसा वाला वायरिंग वीडियो और कैसे वीडियो चाहिए वायरिंग का, आप कमेंट करके बताना, हम लोग उसी टाइप का वीडियो बना के छोड़ेंगे। हमारा एक्सपीरियंस जो रोज़ का काम होता है यही वायरिंग का काम, उसी वीडियो को बना के डालते हैं चैनल पर। देख के भाई सीढ़ी थोड़ा कैसे गया, पहले सेफ्टी उसके बाद काम। काम करने के टाइम दोस्त लोग आते हैं, हम मजाक करते हैं, उनका साउंड थोड़ा आएगा, माफ़ करना, इसी मजाक में काम चलता है। एक दोस्त आया है, वो थोड़ा बातचीत कर रहा है, उसका साउंड आएगा हमारे लोकल भाषा में। देखिए मेन जंक्शन से दूसरा जंक्शन तक गया, इसी जंक्शन से फिर जो बाथरूम जंक्शन है उधर तक जाएगा, और बाथरूम का वायर आएगा, आने के बाद नीचे जो पावर बोर्ड है उसी पर जाएगा। ये वायर आ गया इधर, ज़्यादा नहीं रखना, 10 इंच का नीचे लंबा रखना बोर्ड से। देखिए ये इधर कटिंग कर लूँगा, तीनों साइड का वायर इधर आ गया, ये मेन वायर के साथ कनेक्ट होगा। चलिए देखते हैं, पहले लेटिन का जो गीजर का पॉइंट है उसी को खींचेंगे, उसके लिए 2.5 का न्यूट्रल और 1.5 का रिटर्न लिए हैं, और उसके साथ 0.75 लेंगे। तो जो सॉकेट बैठेगा उसके लिए वायर लेंगे, और देखिए ये दोनों लाइट और वेंटिलेटर के लिए। देखिए जो गीजर का सॉकेट बैठेगा उसके लिए 2.5 का वायर, और न्यूट्रल के लिए 1.5 जो फेज कनेक्शन होगा रिटर्न का सॉकेट में, और उसके साथ 0.75 अर्थिंग के लिए। उधर तक आएगा और इधर जंक्शन में निकलेगा और नीचे आएगा, जितने भी वायर डालेंगे लैटिन के अंदर। देखिए
दोस्त, थोड़ा लंबा वीडियो है, पूरा वीडियो बनाना पड़ता है समझने के लिए, और बिना स्किप करके देखेंगे तो देखिए कैसे वेट डालते हैं, आपको समझ में आएगा। मेरे नए जो इलेक्ट्रिशियन भाई वीडियो देखकर आराम से सीख सकते हैं। देखिए न्यूट्रल का उधर छोड़ेंगे और बाकी जो लाइट वो एडजस्ट फैन और गीजर का वायर नीचे तक खींचेंगे पावर बोर्ड तक। देखिए और न्यूट्रल वायर जोड़ेंगे जो लाइट के लिए और वेंटिलेटर का। देखिए न्यूट्रल वायर को जोड़ने के बाद जो लाइट और वेंटिलेटर का, उसके बाद इस साइड का जो वायर पावर बोर्ड तक डाल देंगे, ऊपर से नीचे तक, जो ऊपर का जंक्शन है उधर से डालेंगे नीचे तक। देखिए वायर को पूरा समान हाइट पर रखने के बाद डक्ट लगा कर उसको डालना, नहीं तो वो जो पाइप के अंदर फंसेगा। देखिए दोस्त, जितने वायर लगेगा जो वायरिंग के टाइम जो स्विच सॉकेट का, उतना ही रखना, ज़्यादा नहीं रखना, बोर्ड के अंदर फिटिंग होगा। और ऊपर साइड जो आया है न्यूट्रल और अर्थिंग वायर जोड़ना ऊपर जो बाथरूम का, देखिए पूरा कंप्लीट वायरिंग लेटरिन बाथरूम अटैच बेडरूम का, और उसी जंक्शन जो आया मेन वायर MCB से, देखिए उसी वायर को तीनों बोर्ड में जो कनेक्ट किए हैं तीनों को सीरीज करेंगे, इधर जॉइंट करेंगे। देखिए इसी बोर्ड को है साइड को ये वाला पावर बोर्ड हो गया है और दूसरे साइड लैटिन का पावर बोर्ड तक गया है तीनों को, तो MCB से आया है वायर इधर जॉइंट करेंगे। देखिए पहले न्यूट्रल का वायर जॉइंट करना है, क्योंकि देखिए पहले न्यूट्रल का करने से जो लाइट का न्यूट्रल जो इधर एक बॉल के लिए देंगे उसी वायर को, देखिए उसी को भी जोड़ना, और न्यूट्रल जोड़ने के बाद फेज वायर और इन्वर्टर वायर अर्थिंग वायर हर एक को जोड़ना, ठीक से टाइट करना जॉइंट को और प्लग टेप ठीक से लगाना। देखिए ये वाला वायर लाइट का उधर जॉइंट करने के बाद उधर बीच से कटिंग कर देने से इधर न्यूट्रल और उधर से रिटर्न फेज आएगा तो लाइट के लिए होगा। देखिए आप हर एक जॉइंट को टाइट से मारना प्रॉपर तरीके से और उसके बाद ब्लैक टेप लगाना, लोज मत चढ़ना। देखिए फ्रेंड, हमारा वायरिंग और ये इलेक्ट्रिकल का जो काम कर रहे हैं आपको कैसे लग रहा है कमेंट करके बताना, और आपको कैसे वाला वीडियो चाहिए कमेंट करके बताना, उसी टाइप का वीडियो बनाकर छोड़ेंगे। और दोस्त, इतने टाइम वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सपोर्ट करना दोस्त। ये पूरा कंप्लीट वीडियो लेटरिन बाथरूम अटैच बेडरूम।